जो ये घटना और इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, प्रजातंत्र की हत्या के अलावा और कोई शब्द नहीं बचाता। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती रही कि यू जो बैलेट नॉट बुलेट, लेकिन यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी और लेखने की आज़ादी पर गोली चला दी जाएगी तो क्या बच जाता उसके बाद। राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम भी और कई युद्धों के टाइम जिस लेखनी अभिव्यक्ति ने मॉरल बूज किया था लोगों का, आज उसी का जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। दाभोलकर, पानेसर, कलबुर्गी और अब गोरी लंगड़ी, केवल इसलिए इनको गोली से उड़ा दिया गया जो इन्होंने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज दी और जो फांसीवादी छवि है वो उनके पास आवाज़ दूरी करने का एक साधन होता है। ये दंड नहीं है तो कहा है, ये सभी ऐसा ही चल रहा है। बहुत तरीके से मैं यहाँ झारखंड में हंसता त्रिवेंद्र सरकारी नौकरी 2015 में कानी सगे समाधान आदिवासी के उसको वहाँ की सरकार मेन तो कर ही दिया, उनको अपने पद से और उनसे ये जवाब मांगा गया आपने ये तत्व, जबकि लेखक को इससे पहले उनके उपन्यास पर साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला। तो ये जो आज दमन की स्थितियाँ चल रही हैं और आज जिस प्रकार से कि हमारी अभिव्यक्ति पर ही आक्रमण किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम सब लोगों को एकत्र होकर के और प्रतिरोध करना चाहिए और इस प्रतिरोध की आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे। उपाय न रहे और लोग चुप हो जाएं, बोलने ना दिया जाए लोगों को, और जो बोले उसको मार दिया जाए। ये फासिज्म का टूल है और फासिज्म इस समय नंगा नाच रहा है पूरे देश भर में। ये समझ लीजिए कि फासिस्ट फोर्सेस उभर आए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अब हमारा ही राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। लेकिन सही बात यह है कि देश में राज जनता ही का चलेगा, लोकतंत्र में जनता ही की चलती है, जनता की जब जब भी आवाज़ दबाई जाती है जनता उठकर खड़ी होती है और फिर एक बार फिर जो है जनता ही की आवाज़ उभर कर सामने आती है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, जमात इस्लामी हिंद, राजस्थान।